गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल करवा चौथ है और अभी मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में बहुत कुछ खास है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा ब्लॉग को। तो जैसे कि कल करवा चौथ है, तो अभी मैं अपनी स्किन पे थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए, आप देख रहे हैं मेरा फेस थोड़ा डल लग रहा है, तो अभी मैं ब्लीच करूंगी और उसके बाद फेशियल करूंगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा घर का काम भी निपटा लेती हूँ और ब्लीच लगाने के बाद घर का कुछ काम भी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। और वैसे अभी मैंने ब्लीच लगा ली है और अभी राज ऑफिस नहीं गई है। आप सोचेंगे इतनी सुबह सुबह क्यों, वो आज मैं ब्लीच इसलिए सुबह सुबह में कर रही हूँ क्योंकि बुरा दिन में मुझे टाइम भी नहीं मिलना है और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। कल करवा चौथ की तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत, और एक्चुअली मैंने दिन में आज थ्रेडिंग कराने के लिए जाना है। आप देख सकते हैं मेरी काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, तो मैंने थ्रेडिंग के लिए भी जाना है, अभी तक मैंने थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है। तो इसलिए मैं सोचा मैं ब्लीच पहले कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो थ्रेडिंग के बाद जब ब्लीच करते हैं ना तो इचिंग सी होने लगती है, जलन होने लगती है, अभी मुझे बहुत दर्द होता है। तो इसलिए मैं जो ब्लीच है ना वो पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं थ्रेडिंग करवाती हूँ। तो चलिए अभी मैं और घर का काम निपटा लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी मैंने राज के लिए नाश्ता ही बनाना है और भी काफी सारी प्रिपरेशन करनी है। वैसे इग्नोर कीजिएगा, मेरा गला काफी दिनों से खराब हो रहा है। तो मैं आपसे काफी देर बाद मिल रही हूँ। मैं थ्रेडिंग वगैरह भी करवा के आ चुकी हूँ, ब्लीच मैंने करी ली थी जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह में। तो राज भी ऑफिस जा चुके हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में बर्तन साफ करने के लिए, कुछ बर्तन रह गए थे, और लंच की भी तैयारी मैं साथ में कर लूंगी। और ये जो मेकअप आप देख रहे हैं, इस मेकअप लुक में मैंने वीडियो भी शूट की है, और मेकअप आप ये देख रहे हैं तो मैंने अभी भी एक वीडियो शूट की है। तो बस अभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम जो होगा वो कर लूंगी। साफ सफाई वगैरह मैंने सारी कर ली है अपने घर की, तो बस अभी मैं जा रही हूँ किचन में। तो किचन का काम तो अभी हो चुका है और खाना वगैरह बस रह गया, मैं थोड़ी देर तक ही बनाऊंगी। और मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अभी तक अपने फेशियल नहीं किया अपनी स्किन पर, तो बस अभी मैं थोड़ा सा फेशियल कर लेती हूँ और मेहंदी का रंग दिखा देती हूँ कि धीरे धीरे चल रहा है। ये देखिए, तो मेहंदी मैं कल रात ही लगवा के आ चुकी थी और अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपना करवा चौथ का जो भी मैंने प्रिपरेशन की है, तैयारी की है, वो दिखा देती हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस की हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, बट चलिए मैं दिखा देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा नहीं की है, बट जो भी की है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सूट नजर आ रहा है, तो ये है पिंक कलर का सूट है, लाइट पिंक कलर का, और इसको लेकर भी मैं एक मेकअप लुक कर चुकी हूँ। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोज़ का लिंक जो है देख सकते हैं। और ये है प्लेन साड़ी है, ये मजेंटा कलर की साड़ी है, ये देखिए ये एक साड़ी है। रात के वक्त मैं साड़ी पहनूंगी और दिन के वक्त सूट पहनूंगी, तो बस यही डिसाइड किया अभी, तो बाकी देखते हैं आगे। ज्वेलरी आप देख सकते हैं, इसके साथ मैंने यही इसके साथ मुझे पसंद आई है ज्यादा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट है ये ज्वेलरी भी और बहुत अच्छी लगती है। यू नो, कुछ हटके हो जाता है, थोड़ा सा अलग आ जाता है इससे लुक आपका, क्योंकि गोल्ड या डायमंड वगैरह की सिल्वर की ज्वेलरी तो हम पहनते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मैं इस बार करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सिल्क थ्रेड सिल्क में जो ज्वेलरीज आती है तो ये परचेज किया। इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इनकी परचेज लिंक, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। साथ में इनके साथ एक छोटी सी क्यूट सी आप झुमकी देख रहे हैं, ये देखिए ये झुमकी है, बहुत ही प्यारी डिजाइन है इस झुमकी की, और ये भी बहुत ही लाइट वेट है। देखने में आपको लग रहा होगा बहुत हैवी है, बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। और दो बैंगल्स हैं इसके साथ आप देख सकते हैं। तो ये है ज्वेलरी, मैं इसकी साड़ी के साथ पहनने वाली हूँ। सूट के साथ मैं सिर्फ मंगलसूत्र ही डालूंगी, जो मैंने लुक किया था ना क्रिएट वीडियो में, बस वही लुक करूंगी मैं सूट के साथ। तो और कल मैं एक ये लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, दो लिपस्टिक लिए मैंने, हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक आई है, एक मैंने ये ली है VLCC पार्टी ग्लो फेशियल किट, और अभी मैं थोड़ी देर में फेशियल करूंगी इसी किट से। और इस VLCC फेशियल किट का रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।
और नेक्स्ट मैंने एक ये लिपस्टिक ली है, आप सोचेंगे कि ये साड़ी के साथ की तो लिपस्टिक नहीं लग रही है, तो मैं आपको बता दूं ये ब्राउन कलर का शेड है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये डार्क चॉकलेट कलर का शेड है, मैं इसका एक आपको हैंड वॉश दिखा देती हूँ। मैंने ये क्यों परचेज की है ये भी मैं आपको बताऊंगी, इसे लिपस्टिक की तरह तो आप यूज कर ही सकते हैं, नेक्स्ट यूज तो आप इसे इसका मेरी नेक्स्ट वीडियो में ही देख पाएंगे। तो ये देखिए इसका एक हैंड वॉश है, काफी क्रीमी लिपस्टिक है, काफी अच्छी है। ये देखिए कितना प्यारा कॉफी कलर का शेड है। और एक मैंने ये लिया है आयुर हर्बल डीप पोर क्लिंजिंग मिल्क, इसका रिव्यू भी मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा जो पहले वाला क्लिंजर था वो खत्म हो गया था, तो मैंने ये लिया है। इसे आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी मैं अपनी वीडियो में आपसे जरूर शेयर करूंगी बहुत जल्द। नेक्स्ट जो मैंने परचेजिंग की है वो ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा करवा जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये कल आते वक्त ना गाइज ये थोड़ा सा टूट गया था, मैं देखती हूँ इसकी जो लिड है वो चेंज कर दूंगी, इसकी ढक्कन अगर कुछ होगी मेरे पास या फिर मैं दूसरा मंगवाऊंगी, और ये थोड़ा सा टूट गया था। तो यार गाइज यही कुछ शॉपिंग की है और यही कुछ मैंने जो तैयारी की थी करवा चौथ की, तो यही कुछ तैयारी की है। और बस अभी मैं फेशियल के लिए जा रही हूँ, फेशियल कर लेती हूँ अपना, और मैं फेशियल करने के लिए जा रही हूँ यही VLCC पार्टी ग्लो फेशियल किट है, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरी वीडियो की लिस्ट को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए मैं इस किट से फेशियल कर लेती हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फेशियल कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक ग्लो आया है स्किन में, बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी नजर आ रही हैं। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती थी, एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी मैं आज जो भी बात करने जा रही हूँ वो बेटियों के बारे में है, डॉटर्स के बारे में है। मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ, बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरी बेटी है और भगवान ने मुझे इतनी प्यारी इतनी समझदार बेटी दी है ना, सच में कभी कभी मैं भी हैरान हो जाती हूँ उसकी बातें सुनकर, और कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि जब वो अपनी उम्र से बढ़कर बड़ी बातें करती है। इसका एग्जांपल आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअली हुआ क्या कि कल रात मैं मेहंदी लगवाने के लिए गई थी, तो आप देख सकते हैं अभी मेरी मैंने मेहंदी लगवा चुकी हूँ मैं, तो काफी डार्क भी हो चुकी है अभी सुबह तक लेके, अभी तक तो काफी डार्क हो चुकी है, शाम तक और हो जाएगी। तो मैं कल मेहंदी लगवाने के लिए गई थी और मैं खाना वगैरह बनाकर गई थी, वैसे तो मैं डिनर बनाकर गई थी, और जब मैं वापिस आई तो मैं डिनर करके नहीं गई थी, मैं खाकर नहीं गई थी खाना। तो मैं जैसे ही आई वापस मेरी बेटी ने देखा कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और उसने खुद बोला कि मम्मा मैं आपको खाना खिला देती हूँ, मम्मी चलिए मैं आपको खाना खिला देती हूँ। मतलब सच में मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मेरी बेटी है, और मैं उनके लिए भी एक मैसेज देना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़कियां बोझ होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे आप सोचते हैं ना कि आपके बेटे आपको समझेंगे, लेकिन काफी मोमेंट ऐसे होते हैं जहां बेटे भी नहीं समझ पाते हैं, वहां आपकी बेटी आपको समझती है, इतना सपोर्ट करती है और इतना अंडरस्टैंड करती है ना। मतलब सच में यार हमें बेटियों को मारना नहीं चाहिए कभी भी घर में, हमें बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए, उनको फ्रीडम देनी चाहिए, उन्हें भी अपनी लाइफ जीने का हक है। एक मिनट गाइस ये बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रही है। तो मैं अपने आपको बहुत लकी फील करती हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस फील करती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी समझदार इतनी अच्छी इतनी प्यारी बेटी दी है ना। कल उसने मुझे खाना खिलाया और पानी भी पिलाया, आप देख रहे होंगे वीडियो में। सच में मतलब मैं इसलिए भी बोल रही हूँ ये बात क्योंकि ये हमारे दूर के रिलेटिव्स हैं, कोई राज के रिलेटिव्स में हैं, उनके घर बेटी हुई है, और मतलब जो उनकी दादी है ना कुछ बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई, हालांकि उनके पास पहले एक जो एक बेटा है मतलब पोता है, और लेकिन वो जब उन्हें भी लड़की हुई है तो मतलब ज्यादा खुश नजर नहीं आए। मुझे नहीं समझ पाता क्यों ऐसा सोचते हैं लोग आज भी कि नहीं लड़का ही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है गाइस। लड़कियों को हमें कभी भी इस तरह से डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए उन्हें नई नई चीजें करने के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें, क्योंकि आज तो लड़कियां चांद पे जा चुकी हैं, मतलब पायलट बन रही है, हर एक फील्ड में आ गए हैं, और सच में मैं बहुत ज्यादा ब्लेस फील करती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब उन्हें ऐसा कुछ करते देखती हूँ। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहती थी, आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा और आपकी बेटियों के बारे में क्या राय है, आई नो आपकी राय अच्छी ही होगी। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।